start with the atomic nucleus. In the atomic nucleus, we will be on the primarily basis focusing upon Rutherford's scattering experiment. This experimental setup will basically explain the scattering suffered by the alpha ray photons, alpha ray particles rather, when these are made to fall on a thin plate, which is designed especially from gold. Thin gold foil we may take. Basically, in the original setup, the setup that was suggested by Rutherford and his associates, his collaborators, there was a fine foil which was designed especially by using gold. This is with a thin gold foil. Gold is having atomic number Z is equal to 79. The thickness of this gold foil is of the order of micrometers. And over here, we have a source of alpha particles placed at this place in a lead cavity. This is the lead cavity. Inside this lead cavity, we are having bismuth 83214. This is this source of alpha particles. This is bismuth 83214. ये इसकी खास बात ये है कि ये अल्फा पार्टिकल की एमिशन के लिए बेटे रिस्पॉन्सिबल है, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है. तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है आपको अल्फा पार्टिकल्स बेटे अमिट करके देगा. अल्फा पार्टिकल्स को इस तरीके से बेटे इस थिन गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करवा दिया जाता है. डियर चिल्ड्रन, अपने माइंड में रखिएगा, अल्फा पार्टिकल पर 2 units पॉजिटिव चार्ज होता है और आपका गोल्ड का जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर 79. गोल्ड के न्यूक्लियस की अगर बात करोगे तो 79 इंटू ई, इतना आपके गोल्ड के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है. जरा इमेजिन करिएगा, ये 2 units पॉजिटिव चार्ज के आपने इस गोल्ड फॉइल की तरफ जो है ये इनको विद सम एनर्जी ई, एनर्जी आपका इनिशियल 1/2 mu² काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसके पास अवेलेबल होगा. जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक आएगा, गोल्ड का न्यूक्लियस बेटे इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन डेफिनेटली होगा. और साथ ही साथ बेटे हम एक इस पर्टिकुलर सेटअप में डिटेक्टर मैनेज करते हैं. ये डिटेक्टर है यहाँ पे आपका, ये इमेजिन कर लीजिएगा कि डिटेक्टर है. दिस इज डिटेक्टर, और डिटेक्टर को आप इसे रोटेट करके देख सकते हैं चारों तरफ. इस तरीके से आप डिटेक्टर को रोटेट करके जिस भी जगह पर आपको स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स की जो नंबर है, इंटेंसिटी है, नोट करनी है, आप अपना जो डिटेक्टर है इस तरीके से वहां पर एडजस्ट कर लीजिएगा. आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की जो नंबर है वो मैक्सिमम है. काफी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो है दे वर फाउंड टू गो अनडिफ्लेक्टेड, और फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है दे वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स. दिस इज द एंगल एट विच अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड. बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए. दिस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंडिकेट करता है कि बहुत थोड़े पार्टिकल्स थे. एंड ओनली बेटे 1 in 9000 करीब दैट आल्सो रीट्रेस इट्स पाथ. बेटा पूरे का पूरा एनालिसिस करने के बाद नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड
स्कैटरिंग एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा, इनमें बेटे एक ग्राफ प्लॉट किया गया, एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ढूंढा गया कि किस हिसाब से जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं बेटा ये वेरी कर रहे हैं। स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स का नंबर जो है इट वाज सीन दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू या इट इज से इक्वल टू बेटा 1/sin θ/2 फोर्थ पावर, इसकी इसके ऊपर डिपेंड करता है। साइन 4θ/2 आपका स्केटरिंग एंगल का आपने हाफ लिया है, इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स का जो नंबर स्केटर हो रहा है वो इस स्केटरिंग एंगल थीटा पे डिपेंडेंट है। मैं रीराइट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/sin 4θ/2। इसी चीज को ग्राफिकली बच्चों देखा गया तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके का बेटे बना। इस वर्टिकल एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अज्यूम किए बेटा, और आपने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं इन पे आपने अपना एंगल स्कैटरिंग एंगल जो है ये अज्यूम किया, और बेटे ग्राफ कुछ इस तरीके का हमें इन द एंड मिल गया। ये ग्राफ हमें डायरेक्टली डिपिक्ट कर देता है कि छोटे जो बड़े कम पार्टिकल्स हैं बेटे जो है जो बहुत बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये एंगल मैक्सिमम होगा आपका थीटा इस तरफ, और आपके बहुत ज्यादा पार्टिकल्स, ये देखिए इतने पार्टिकल्स जो हैं ये बड़े छोटे एंगल पर डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, इनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बड़ा कम है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ये स्मॉल एंगल स्कैटरिंग शो करते हैं, और बेटे बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स हैं जो इतने बड़े एंगल पर जो स्केटरिंग है ये शो करते हैं। फिर क्या किया गया, इन रिजल्ट्स को, इस ग्राफिकल वेरिएशन को बेटा एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूड किया गया कि बिकॉज बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आपके अनडिफ्लेक्टेड या छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये डायरेक्टली आपको डिपिक्ट कर देता है कि एटम के अंदर गोल्ड फॉइल आपका फिर आपके गोल्ड के एटम्स का बना हुआ है, गोल्ड के एटम के अंदर काफ़ी जगह खाली है, और अगर काफ़ी स्पेस खाली होगा तभी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये छोटे एंगल पर डिफ्लेक्शन जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। फिर बेटे जैसे जैसे बेटे फर्दर मोर एनालिसिस किया गया तो ये जो आपके 1 in 9000 या 8000 पार्टिकल्स अपना पास रीट्रेस कर रहे थे, यहाँ से ये जजमेंट किया गया कि आपके गोल्ड के फॉइल में जो गोल्ड का एटम है उसका बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, उस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी वो इस गोइंग अल्फा पार्टिकल को एज सच बैक जो है वो रिपेल कर देता है। रिपल्शन डेफिनेटली श्योर टेस्ट है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एटम का जो सेंटर वाला हिस्सा है वहां पर भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, नहीं तो और कोई ताकत है नहीं जो पॉजिटिव चार्ज को वापस इस तरीके से भेज सके। सो बेटे इन आउटकम्स को जब एनालाइज किया गया तो दो चार पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट देखने को मिले हैं, जिनमें पहला पॉइंट है कि एटम के अंदर काफी ज्यादा स्पेस खाली है। दूसरी बात, एटम के अंदर बेटे जो है सेंट्रल पार्ट जिसको आप बोल देते हो वो सेंट्रल पार्ट काफी ज्यादा हैवी है, और तीसरी बात वो जो सेंट्रल पार्ट हैवी है दैट मस्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, नहीं तो आपका अल्फा पार्टिकल अपना पाथ रीट्रेस नहीं कर सकता है, और चौथी बात इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो एटम है एज सच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपने बात कर रखी है, इसका मतलब है कि जितना सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है इतना नेगेटिव चार्ज भी आपके एटम में कहीं ना कहीं पड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा बेटे रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम का बेस बन जाता है। डियर चिल्ड्रन फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा, एटॉमिक न्यूक्लियस में हमारा सबसे पहला टॉपिक है रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें
बिस्मथ्स आपने अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स है ये लिया, इसको एक आपने लेड की कैविटी में रखा है। लेड की कैविटी में इसलिए रखा है कि अल्फा पार्टिकल्स जिस तरफ लेड की कैविटी की ओपनिंग है उस तरफ ही जाएं, उन बाकी के अल्फा पार्टिकल्स को लेड अब्जॉर्ब कर लिया करता है। ये अल्फा पार्टिकल्स आपके जा रहे हैं न्यूक्लियस के साथ जाकर या एटम के साथ जाकर इंटरेक्ट करने के बाद इनकी स्कैटरिंग हो जाएगी। स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपने ये डिटेक्टर चारों तरफ जैसे स्फीयर होता है, आप डिटेक्टर को एडजस्ट करके नोट कर सकते हो कि कहाँ पे इंटेंसिटी स्कैटर्ड आपके अल्फा पार्टिकल की सबसे ज्यादा आ रही है बेटा। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ये हमारे सामने आए और इनसे हम ये हमारा जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है उसकी बेटे जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। डियर चिल्ड्रन, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस दैट वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स बेटा। सो आइए मैं आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है बच्चों इसकी इंट्रोडक्शन कर दूं एक बार बेटा। व्हाट डू वी मीन बाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बेटा? बेटे जो हमने ये ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ की है इनके बेसिस पे बेटा हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मास जो है आपके एटम का दैट इज बेटे कंसंट्रेटेड एट द सेंट्रल पार्ट, और जो सेंट्रल पार्ट है मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो एट द सेंट्रल पार्ट। उस सेंट्रल पार्ट को आप न्यूक्लियस बोल देते हो। तो आइए बेटे इनकी वन बाई वन बात करें बेटा। So we will say that beta most of the space inside the atom is empty. किस बेसिस पे हमने ये पॉइंट लिखा बेटा? जब आपके बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ने स्मॉल एंगल की स्कैटरिंग शो की, उस बेसिस पे हमने कह दिया कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जब ये बिना डिफ्लेक्शन के बिना स्कैटरिंग के या छोटे एंगल पर स्कैटर होके निकल जाते हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा एटम के अंदर जो है ये एम्प्टी स्पेसेस ही है। दूसरी इंफ्रेंस, दूसरा कंक्लूजन हमने बेटे क्या ड्रॉ किया है कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है बेटा, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-15 मीटर्स एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज बच्चों आपका 10^-10 मीटर के ऑर्डर का होता है। दिस इज वेल नोन टू यू, आपने पहले कहीं बात कर भी रखी है ये। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट हमारे पास बेटे ये है कि आपके जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के लिए अवेलेबल है बिकॉज इन पे पॉजिटिव चार्ज है, आपके न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन एटम एज ए होल न्यूट्रल है। इट मींस दैट कि न्यूक्लियस के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास होना चाहिए। सो वी कैन से दैट बेटे पहले हम न्यूक्लियस वाला पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। हमारा जो इंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एटम नॉट न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है जी। और बेटे आपका एटम बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वी कैन से दैट
इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सच दैट द नेट चार्ज ऑन द एटम इज जीरो, सच दैट द नेट चार्ज ऑन द एटम इज बिटेक जीरो. सो डियर चिल्ड्रन, ये सारे का सारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो है, ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं उसके बेसिस पर ये मॉडल सुजेस्ट किया गया था बाय रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट्स बेटा. अब आइए बेटे बात करके देखें आगे कि अगर हम ये रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम को लेकर चलते हैं तो हमारे पास फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं. पहली टर्म है हमारे पास बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और दूसरी छोटी सी चीज है बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर. आइए इनको बच्चों वन बाई वन डिस्कस करें, देखें ये क्या चीज है बेटा, और देन वी विल बी मूविंग अहेड बेटे. आइए देखें बेटे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. बड़े ही ध्यान से बेटे समझने की कोशिश करिएगा एक बार फिर से. ये आपके पास गोल्ड का न्यूक्लियस, मैं बड़ा करके डायग्राम आपको दिखा रहा हूं. दिस इज न्यूक्लियस गोल्ड का, इसका जेड आप जानते हैं 79 होता है गोल्ड के लिए. अगर न्यूक्लियस है तो डियर चिल्ड्रन इसके ऊपर जो चार्ज होगा इट विल बी इंटायर पॉजिटिव चार्ज बेटी होगा, और यहाँ पे आपके पास अल्फा पार्टिकल है. अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज डियर चिल्ड्रन 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज होता है. आपने अल्फा पार्टिकल को कुछ इनिशियल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करके इसको इस गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ बेटा जो है सेंड किया. यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी जैसे जैसे ये न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल डी एक्सलरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन. डी एक्सलरेट होते 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 एक स्टेट आएगी, एक पॉइंट आएगा जहां पर जाकर आपका जो ये अल्फा पार्टिकल है ये स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा बिल्कुल. और रुकने के बाद इस न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी, और आपका ये अल्फा पार्टिकल जो है इट विल रीट्रेस इट्स पाथ. जितना ये गोल्ड के न्यूक्लियस के नजदीक जा सकता है ये डिस्टेंस को आप बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह देते हैं. फिर से बेटा ध्यान से समझिएगा, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड का न्यूक्लियस ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल को आपने एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करने पे आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से आपका अल्फा पार्टिकल जो है इट विल गेट डी एक्सलरेटेड. जाते 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 डी एक्सलरेट होगा, एक पॉइंट पी पॉइंट पर पहुंचकर इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो, कंप्लीटली डी एक्सलरेट हो जाएगा. और उस टाइम पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल बैक कर देगा और आपका अल्फा पार्टिकल अपना पाथ रीट्रेस कर लेगा. ये सिचुएशन हमारी बेटे जो है ये वो वन पार्टिकल इन 8,000 to 9,000 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो अपना पाथ रीट्रेस कर लेता है, ये उसके लिए हम कर रहे हैं डिस्कशन. तो वी इंटेंड टू कैलकुलेट दिस आर नॉट, ही आर नॉट किसके बराबर है, कितना आएगा, हम इस डिस्टेंस को बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं. पहला चैप्टर याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें आपने कहा था कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर पहले पोटेंशियल निकाल लो, फिर
इस पॉइंट पर जब अल्फा पार्टिकल पहुंच जाता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल लीजिए। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बच्चों आई कहां से? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी की कॉस्ट पर आ रही है। तो डियर चिल्ड्रन आइए इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द गोल्ड न्यूक्लियस, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप बी से डिनोट किया करते हो और आपने काफी बार ये किया है 1/4 pi epsilon naught q/r। सो डियर चिल्ड्रन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर फिर कितना डियर बन गया 1/4 pi epsilon naught q। चार्ज कितना है? ये जेड आपका बच्चों जो है 79 है और ई आपका एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। सो चार्ज आपके पास डियर चिल्ड्रन बन गया, मैं जेड ही रहने देता हूँ इसको, 79 नहीं लिखता, क्यू इज इक्वल टू जेड इन टू ई कर लीजिए, दैट विल बी अफोर्डेबल इजी। जेड इन टू ई ये चार्ज आ गया, डिस्टेंस को आपने बोला है आर नॉट, लेट इट बी आर नॉट, ये आपके पास ये बात बन गई। अब जब आपका अल्फा पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंचा तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये बच्चों बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। सो ये बच्चों आ गया जी 1/4 pi epsilon naught जेड इन टू ई टू ई अपॉन आर नॉट। थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे इट विल बी 1/4 pi epsilon naught, दिस इज 2 जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट, एंड लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर बेटे 1। आई कहां से? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। अगर अल्फा पार्टिकल नजदीक नहीं जाता तो आनी नहीं थी बेटा, तो अल्फा पार्टिकल नजदीक क्यों गया? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी ये वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस आपका जो अल्फा पार्टिकल है इसकी वजह से है। सो यू विल से दैट बेटा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की जो है इट इज 1/2 m × u² है। आई मे मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। इनको बच्चों दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा जी ये काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 2 जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट। हमें आर नॉट चाहिए, आर नॉट आ जाएगा जी 1/4 pi epsilon naught 2 जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 mu² ये सीधा सीधा आपके पास ये रिजल्ट बना। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर नॉट इज 1/4 pi epsilon naught 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ई, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। सो इतना आपका जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के नजदीक चला जाएगा, फिर रिपल्शन की वजह से वापस आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है? इससे बेटे हमें न्यूक्लियस के साइज का एस्टीमेट हो जाता है, अंदाजा हो जाता है। ये एग्जैक्टली न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर नहीं है बिकॉज ये न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाया, और ऑन दिस बेसिस हम ये एस्टीमेट जरूर लगा लेते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है गोल्ड का इस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में स्पेशली उसका साइज अप्रोक्सीमेटली कितना है। तो बच्चों देखो जेड आपके पास 79 आपको पता ही है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नोन टू यू, एनर्जी जितनी भी आप अल्फा पार्टिकल को दे रहे हो आप ही दे रहे हो ना, वो भी आपको पता है कितनी है। सारी वैल्यूज पुट करिए आपके पास आपका रिजल्ट एस सच आपको मिल जाएगा बेटा,
सो ऑन दिस बेसिस हम अपने न्यूक्लियस के रेडियस का एस्टीमेट अंदाजा लगा सकते हैं। सो आदित्य शर्मा, गुंजोत, क्षितिज, लक्ष्य, मानवी, अपुत्र, क्लियर है सारे बच्चों को बेटा? आदित्य शर्मा, गुंजोत, क्षितिज, लक्ष्य, मानविया, बच्चों आप बताओगे तभी मैं आगे चल पाऊंगा ना। गुंजोत? यस सर। चले पुत्र आगे फिर। ओके बेटा, ठीक है बेटे। इसके बाद बेटे हमारे पास एक बड़ी और इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज बेटे इम्पैक्ट पैरामीटर। आइए इसको भी समझे, इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा क्या है और हम बेटे इम्पैक्ट पैरामीटर को इन दिस कंटेक्स्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। लेट अस बेटे फोकस अपॉन द न्यू टर्म इम्पैक्ट पैरामीटर। बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर, डियर चिल्ड्रन, हम इमेजिन कर लीजिए अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपके पास आपका न्यूक्लियस है गोल्ड का, इंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट दिस अल्फा पार्टिकल, सॉरी न्यूक्लियस। ये अल्फा, ये लाइन एक इमेजिन कर लीजिए सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से पास कर रही है, दिस लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है जो न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रही है। एक हमने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इमेजिन किया, इस अल्फा पार्टिकल को आपने कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सप्लाई किया। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से बेटा आपका जो न्यूक्लियस है इस पार्टिकल को कुछ इस तरीके से रिपेल कर देगा। डियर चिल्ड्रन, आपके अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर का इस सेंट्रल लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। फिर से सुनिएगा पुत्र, एक आपने न्यूक्लियस के सेंटर से पास करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, फिर आपने कहीं पे भी अल्फा पार्टिकल जो है इस तरफ से ट्राई करवा दिया, मूव करवा दिया, अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर इस सेंट्रल लाइन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है इसको आप बोल देते हैं बेटा इंपैक्ट पैरामीटर। डिफाइन करें अगर इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर distance of perpendicular distance of the velocity vector of alpha particles from the line passing through the सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से जो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रही है उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, दैट वी कॉल एज द इंपैक्ट पैरामीटर। और याद रखिए, डेफिनेशन रिपीट करते हैं एक बार समझ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इंपैक्ट मैं पहले समझा देता हूँ फिर रिपीट भी कर देता हूँ। सेंटर से ये लाइन हॉरिजॉन्टल आपने पास करवा दी अपनी तरफ से, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव, ऐसे चला जाएगा। अगर ये नजदीक होगा तो स्कैटरिंग, अगर ये यहाँ से जा रहा है ना बेटे अल्फा पार्टिकल, तो स्कैटरिंग इवन बड़े एंगल पे हो जाएगी, ऐसे स्कैटर कर जाएगा। तो उस केस में ये दोनों सिचुएशन के अगर आप समझो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है, ये वाला या ये वाला। सो इन दिस वे बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर जो है हमारा, वी कैन से दैट इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए,
इस चीज को आप इंपैक्ट पैरामीटर बी बोल देते हैं। और डियर चिल्ड्रन, इंपैक्ट पैरामीटर बी जो है, इट इज बेसिकली 1/4 pi epsilon naught, जैसे आपने जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला था, बिल्कुल सेम बेसिस पे आपके पास ये बेटे जेड इंटू ई, ये आपका न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज था, और यहाँ पे बेटे आपके पास जेड इंटू ई ना होकर ये कॉट ऑफ एंगल थीटा बाई टू जेड ई स्क्वायर, ई आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई कैपिटल ई एनर्जी पोजेस्ड बाई द अल्फा पार्टिकल बेटे। इस एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिख लो या आप बेटे जूल्स में लिख लो, दिस इज होली सोली डिपेंडेंट अपॉन अस। बी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught जेड ई स्क्वायर, जेड आपका बेटे गोल्ड का एटॉमिक नंबर, दिस इज 79। तो ई आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एज सच है, इट मे बी 1/2 mu² एज सच। So this is how we deal with the impact parameter. Once again repeating the things beta, impact parameter is basically the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the line drawn from the center of the nucleus, the horizontal line we draw or the line which is passing through the center of the nucleus. So ye aapke paas beta on the basis of Rutherford's model of atom, alpha ray scattering एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो भी आपने ऑब्जर्वेशन ड्रॉ की है उनके बेसिस पे आपने ये सारे का सारा डिस्कशन कंप्लीट करना है। आफ्टर दिस बेटे लेट अस फोकस अपॉन द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बेटा। रदरफोर्ड के मॉडल की क्या लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन की वजह से हमने किस तरीके से बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो डिवाइस किया है, आइए देखें बेटे लिमिटेशंस ऑफ Rutherford's model of atom बेटे। हेडिंग लिख लो, फिर लिख कर नेक्स्ट टाइम लेंगे बेटा। लिमिटेशंस ऑफ Rutherford's मॉडल ऑफ एटम। सो बेटे अब आपका टाइम हो रहा है नेक्स्ट पीरियड का, ये फिर कल करेंगे। थैंक यू ऑल बेटा। Any point you want to share, you discuss with the Aditya, Gunjot, Shitij, Lakshya, Mandiya, Vita. Okay, Biti. Thank you all.